So far. Accordingly, I will guide you further. और जितने और वन थर्टी प्लस तो टॉप तो तो फाइव में आने वाले है मतलब ये स्कोर रेंज पे अपने को GLC and जो आपका बी एड सी का हंड्रेड में से प्लस गुड स्कोर और कंबाइंड टूगेदर एक सौ पंद्रह से एक सौ बीस के ऊपर का स्कोर जा रहा है तो अच्छा स्कोर है बट आई सजेस्ट एवरी वन टू राइट अभी फुल्थ बी एड सी टी लिख रहे हो तो अभी फुल लेंथ का भी मॉक लिखो देर आर टेन मॉक ऑन पोर्टल जी uh, section section. Uh, logic 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 के और फिर टीचर एप्टीट्यूड एंड लीगल टीचर एप्टीट्यूड आपके बी एड में आएगा लीगल आपका uh,

वेरी फर्स्ट जो चीज अभी डिफिकल्ट है करना लुकिंग एट नंबर ऑफ टाइम लेस एग्जाम वो कैप एंड आयरनी इज वॉट वो कैप से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट पंद्रह प्लस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन वो कैप बेस्ड होंगे एंटोनियम्स हो गया एनोलॉजी हो गया फिलिदा ब्लैंस हो गया ठीक है ना आपका वन वर्ड सब्सक्रिप्शन हो गया ये सारे क्वेश्चन बनेंगे वर्ड पावर मेडी जी का पूरा वीडियो इज देयर ऑन योर डैशबोर्ड अगर आपने वो देखा है या देख रहे हो अभी शॉर्ट नोट पे वही एक ऑप्शन है और अपना जो बुक है ठीक है बट देन टू एम आई मीन वो कैब आपको करना ही पड़ेगा बट बहुत कम टाइम है तो आपको रेलेवेंट टू द पॉइंट और कम चीजें करके खत्म करनी है तो वर्ड पावर मेडीजी के पचास वीडियो आपके डैशव पे है उसको देखकर खत्म करो दो बार देख लो तो एटलीस्ट याद रहेगा मीनिंग ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से उसके बाद है आपका ग्रामर देखो ग्रामर इजी है अगर रूल पता है तो आप रिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस का ये सारी चीजें आप कर लोगे इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है सो प्रॉब्लम यह कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है वो कैप वैसे ही हमारा अच्छा नहीं है और ग्रामर में भी हम बहुत अच्छे नहीं है अगर ये पूरी सिचुएशन है तो इंग्लिश अभी आप बोलोगे कि सर पांच पंद्रह बीस दिन में पच्चीस दिनों में कैसे करूं मतलब रीडिंग पे थोड़ा सा पेस बढ़ा दो

ठीक है और एक रीडिंग हैबिट है सुबह सुबह रीडिंग करके न्यूज पेपर रीड करके जाना आपका पेस बना रहेगा दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई डू बिफोर आई राइट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन की मेरा एक रीडिंग का पेस बना है जब मैं एग्जाम में पहुंचूंगा तो वार्म मेरा हो चुका है तो सीधा अपन फिर फटाफट चीजें गो थ्रू करते हैं इसके बाद आपका पीजे हो गया पैराग्राफ जम्बल हो गया EDM's हो गया ये सारे क्वेश्चन टाइप तो ये आप कर सकते हो ये भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो कैब एक चैलेंजिंग है आपके लिए जहां से क्वेश्चन पकड़ के चलो सो आउट ऑफ मिनिमम प्लस तो आपको जाना ही है मिनिमम थर्टी फाइव प्लस अगर आप फोर्टी प्लस जा रहे हो फोर्टी फाइव प्लस जा रहे हो तो और अच्छी बात है बट थर्टी फाइव प्लस आपको जाना ही जाना है तो इंग्लिश में वट इज द दाइएस्ट स्कोर कमिंग अप इन इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है आपका तो प्लस प्लस सेक्शन में करने की जरूरत है अब अगर आप आउट ऑफ फिफ्टी आपके दस पंद्रह मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आई I मीन mean, इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है और इंग्लिश इज द कांड ऑफ अ सेक्शन जो आप ये नहीं बोल सकते चल मैं एक महीना मेहनत करूंगा बीस दिन मेहनत करूंगा मेरा इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते हो वो क्या आप छोड़ के बाकी के एरिया में आप काम कर सकते हो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको तो उस केस में आप रेडिंग कॉम्पिटन अच्छा कर लो आपका पैराग्राफ जर्मल अच्छा कर लो ग्रामर वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लो ब्लैंक्स थोड़ा अच्छा कर लो ब्लैंक्स में भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक तो ग्रामर वाला फिलिंग करने को बोलेंगे नेक्स्ट इज लॉजिक लॉजिक में तीन टाइप के लॉजिक तो ट्रेडिशनल लॉजिक है दूसरा है आपका क्रिटिकल एंड तीसरा है एनालिटिकल मैंने पार्ट में किया है कि आपको एग्जाम आप अच्छा आपके, आपके लॉ में आएंगे फोर्टी क्वेश्चन आपके बी में आएंगे ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ट्रेडिशनल लॉजिक अभी ट्रेडिशनल लॉजिक जो है आपके पास अगर मेनुअर का बुक ई बुक होगा तो उसके अंदर टॉपिक है आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया अल्फाबेट टेस्ट हो गया डायरेक्शन हो गया रैंकिंग हो गया ब्लड रिलेशन हो गया है ना सिलोजिज्म हो गया इनइक्वालिटी हो गया आपका इनपुट आउटपुट हो गया ठीक है क्लॉक एंड कैलेंडर देख लेना और उसके बाद थोड़ा क्यूब एंड डाइस के वीडियोस देख लो और मिसिंग नंबर एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये देख लो ट्रेडिशनल लॉजिक में आपका मतलब 100% स्कोर बनना ही चाहिए यहां पे कुछ भी गलत ना हो सेट ऑफ जो चार तीन या चार पांच क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक भी लिख लो जिसके अंदर से जिसका सेट में आता है जिसमें एक क्वेश्चन आएगा तो सेट में आएगा पहला कोडिंग डिकोडिंग हो गया अगर आएगा तो तीन चार क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे दूसरा ब्लड रिलेशन का भी सेम चांस है कभी कभी वन लाइनर भी आते हैं बट कभी कभी फैमिली ट्री दे, दे, दे देता है सिलोइम हो गया इनइक्वालिटी हो गया ये चार टॉपिक हो गए ठीक है उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट हो गया पांचवा टॉपिक एंड नंबर एंड लेटर सीरीज

और इसके अंदर दो टॉपिक और है कोर्स ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ये आया तो आया तो है, ऐसा है, पर यहां से तो फिर नहीं बन सकता है और इसके अंदर आपके लीनियर सर्कुलर और मैट्रिक्स अरेंजमेंट बोलते तीन एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे वट इज स्कोर कमिंग अप इन लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ

और यहां पे भी कुछ नहीं छूटे और यहां पे भी मेजर चीजें अपनी कवर हो एक आध दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो ठीक है तो लॉजिक के सारे चीजें अच्छे से कर लो है ना अब इसके बाद है जीके दोनों एग्जाम इसमें थर्टी आएगा इट इज अस्ट स्कोर द जीके देखो जीके आई वास्ट एरिया एंड इट इज कुछ भी आ सकता है ठीक है तो अपने को पहले स्टैटिक देखो स्टैटिक और करंट अफेयर्स आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट ईयर तो ये वेटेज ज्यादा था स्टैटिक का कंपेयर टू करंट अफेयर्स बट यू नेवर नो फिफ्टी फिफ्टी भी पूछ सकते हैं तो यहां पे आपका थ्री इयर्स में फोर्टी में से अराउंड आपके ट्वेंटी फाइव प्लस बन रहे तो अच्छी बात है थर्टी प्लस बन रहा है तो और अच्छी बात है बी के अंदर आउट ऑफ थर्टी अगर आपका ट्वेंटी प्लस बन रहा है तो अच्छी बात है सी जीके के अंदर सबसे पहला आपका स्टैटिक जीके पे फोकस करो ज़्यादा करके पॉलिटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट दो तो साल से आ रहे हैं ठीक है वो हिस्ट्री जोग्राफी हो गया आपका एंड फॉलोड बाई योर इकोनॉमिक उसके बाद जो अवार्ड है आपके ठीक है वो एंड बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चन लाइक वाइज करंट अफेयर्स के लास्ट सिक्स मंथ का जीके मेनली तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम अपना मार्च में फेब में अपनी इस मंथ में पेपर बन चुका होगा तो जनवरी तक का डेटा पता होना चाहिए अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाएंगे छह महीने का करंट अफेयर पता होना चाहिए ठीक है बाकी जीके में देखो सर्टेटी नहीं है कि यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ रहा है तो बड़ी बात है अदरवाइज यहाँ स्कोर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज एरिया बहुत वास्ट है और बहुत अनसर्टेन क्वेश्चन है टॉपिक फिक्स फिक्स है बट एरिया वास्ट है उसके बाद आगे आपका टीचर एप्टीट्यूड एंड लीगल ये है फोर्टी आपका और नहीं ये दोनों थर्टी थर्टी है तो ये, ये सेक्शन है, तो है और लीगल का भी सेम ही टाइप है बट लीगल में तो डिफिकल्ट हो गया था इट इज मोर ऑफ बेस्ड क्वेश्चन लीगल जी के लीगल जी के बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आपके इसमें तो फोर शोर ट्वेंटी राइट ऑल द मॉक ऑफ मेन्यूअर ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आपके मॉक से आए हुए थे और जो जो अपने लेक्चर्स हुए उस, उसके जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से गो कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे भी भाई 25 प्लस अपना बनना है। लिखना है और लास्ट में लिखूंगा या पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं मॉक लिखूंगा ये गलतियां है ये गलती मत करो हर साल थाउजेंड ऑफ एसपेक्ट डू द सेम और उनके साथ भी वही होता है कि एग्जाम के पहले लिखेंगे कुछ दिन पहले और रियल एग्जाम में मिस्टेक करते तो आई सजेस्ट अगर मॉक नहीं लिखा है तो लिखना चालू कर दो ठीक है आपको उसके ऊपर लिखना है तो और अच्छी बात है इंग्लिश तो तो हो गया राउंड टू राउंड थ्री है ना इजी वाले राउंड वन मॉडिट वाले राउंड टू वाले राउंड थ्री लॉजिक के अंदर राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री अगेन इजी वाले ट्रेडिशनल वाले, पहले

आप पेपर को अगर राउंड में अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आपने पूरे पेपर को तोड़ दिया सेक्शन वाइज और सेक्शन को आपने राउंड में तोड़ दिया जब चीजें एकदम स्मॉल स्मॉल पेस में होगी तो आप डुएबल लगेगी आपको मजा भी आया करने में अच्छा मैंने इतना कर लिया वापस मतलब राउंड वन में आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लिए क्वेश्चन इंग्लिश के उसमें जो डुएबल थे वो करते गए फटाफट राउंड वन में और राउंड टू में फिर और आपको ये भी समझ में आ गया कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है ओवरऑल सेक्शन का फिर राउंड टू में जो आपको लग रहा था हाँ ये क्वेश्चन बन सकता तो था टाइम देकर वो बनाओगे और लास्ट में वो जो वैसे भी आप छोड़ने वाले थे उसको फिक्स करो एंड जो ऑर्डर ऑफ अटेम आपको जहां बन रहा है, है वो फॉलो करो मतलब दैट इज अटेबल स्ट्रैटेजी फॉर यू सो डोंट डोंनी वन स्ट्रैटी डोंट फॉलो मे माई स्ट्रैटेजी दट इज वर्किंग फॉर यू गिविंग यू गुड मार्क्स गो फॉर इट सो इतना काम अपने को अभी आपका जो एग्जाम है दैट इज अराउंड अराउंडीन फिफ्टीन डेज फॉर बी एड फोर्थ एंड फिफ्थ फोर्थ को आई थिंक और आपका लाइकवाइज वाइज बारह तारीख को आपका मतलब अराउंड टेन ट्वेंटी प्लस डेज लॉ थ्री ईयर्स के लिए तो टाइम अब कम बचा हुआ है फुल फ्लैज में लग जाऊँ नेक्स्ट वीक तक आई एम होपिंग एडमिट कार्ड भी रिलीज करना चालू कर देंगे दो तरीके से रिवीजन होता है एक तो जो मेरे अच्छे हैं उसको मैं कम टाइम देके फटाफट सही करूं जो टॉपिक मेरे अच्छे नहीं है ओके ओके है उसको थोड़ा तो ज्यादा टाइम देके उसको बेहतर करूं ताकि मैं एग्जाम को मैनेज कर सकूं और जहां पे मेरा अच्छा है एग्जाम में दिस इज शुड रिवाइज चलो लेट्स स्टॉप द सेशन हेयर एंड डू वेल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज जो जो मैंने बताया हुआ है उसको फॉलो करो अच्छे से ऑल द बेस्ट नेक्स्ट रिमेनिंग डेज फॉलो अच्छा करो ठीक है